कि चंदा होता क्या है, चंदाखोर क्या होता है, अपना खर्चा क्या होता है और संघ पहले कैसे चलता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरे जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो समण लोग एससी एसटी ओबीसी के नाम से या बुद्धिस्ट के नाम से जो अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, चाहे वो भिक्कू हैं, चाहे वो भिक्कुड़ी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लड़के हैं, दलबल हैं, सारे संगठन लगभग 29 लाख संगठन और 4 लाख उनमें से एक्टिव संगठन, और ऐसे संगठन जो ये सोच रहे थे कि 10 मार्च के बाद में समाज के अंदर एक वैक्यूम आ गया, अब समाज में रास्ता साफ हो गया, अब हम लोगों को स्वीकार्य होंगे, लोग हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारी जय जयकार होगी, हमारा नाम होगा, हमारा काम होगा, हमारा पॉलिटिकल अचीवमेंट होगा, ऐसे जितने भी लाइन में लगे हुए और लगभग सभी इस लाइन में लगे हुए हैं, ये ठीक ऐसे है कि जैसे जानवर मरता है और गिद्धों की मौज आ जाती है इस सोच के साथ में, और अचानक से उनको ये दिखाई दिया कि यहां तो कोई संघ भी है, ये अब उनको दिखाई दिया। दरअसल संघ का काम तो बहुत पहले से चल रहा था, धीरे धीरे जमीन पर, फिर वर्चुअल, और अब जमीन और वर्चुअल दोनों पर उनके नोटिस में तब आया 10 मार्च के बाद में, जब उनको लगा कि अब हमारा रास्ता क्लियर है, जगह और मैदान खाली है, सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब हमारा नंबर आएगा। और अचानक समर संघ जब ये कहता है कि चंदे का धंधा नहीं करना है, चंदा नहीं लेना है, राजनीति से कोई फायदा नहीं हुआ है, 70 साल में हमारी राजनीतिक वैकेंसियां सारी की सारी 100% फुल रही हैं, बल्कि कई बार तो वो 100% से भी ज्यादा भी रही है, क्योंकि जो रिजर्व लोग हैं वो तो सीटों पर रहे हैं और जो अनरिजर्व सीट है उन पर भी रिजर्व लोग कहीं ना कहीं इक्का दुक्का आ गए, तो 100% से ज्यादा और फुल रही, उससे कल्याण नहीं हुआ। जो समण लोगों की राजनीतिक पार्टी बनी उससे भी कल्याण नहीं हुआ, और जो लड़कों ने दलबल बनाए उससे भी कल्याण नहीं हुआ, और जो सरकारी संगठन जितने लोगों ने बनाए उनसे उनके सरकारी संगठन तक नहीं बचे, समाज क्या बचेगा, समाज को क्या बचाएंगे। ये बात उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी कि इस तरह भी लोग उनसे सवाल पूछेंगे या इस तरह से भी लोग कहेंगे कि चंदा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। उनको सपने में भी ये गुमान नहीं था कि जिस समाज की वो अगुवाई कर रहे हैं, जिस समाज के अपने स्वयं शंभु नेता बन गए, जिस समाज के वो जनरल सेक्रेटरी बन गए, जिस समाज के प्रधान बन गए, जिस समाज के वो ठेकेदार बन गए, जिस समाज के नाम पर दुकान खोली, जिस समाज के नाम पर चंदा ले लिया, वो समाज कभी उनसे पूछने की हिम्मत भी करेगा? जिन लोगों ने हिम्मत की उनको दबा दिया, या तो उनको कह दिया कि ये आरएसएस के दलाल हैं, या कह दिया ये बीजेपी की पार्टी के हैं, या कह दिया आप पार्टी के हैं, या कह दिया कि इनका खुद का संगठन है, या कह दिया कि ये खुद चंदा लेते हैं, या ये कह दिया ये खुद राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं या बना ली है, कुछ ना कुछ आरोप लगा के उनको चुप करके घर बैठा दिया। इसने जो बोले, जिन्होंने मुंह खोला, वो बेचारे आरोप के साथ में अपने हाथ जला के घर बैठ गए। पर समण संघ पे क्या आरोप लगाएंगे? समण संघ तो बिल्कुल हाथों को क्लीन करके चलता है, समण संघ का कोई खाता नहीं, पब्लिक से पैसे लेता नहीं, चंदे की रसीद कोई छपती नहीं, कोई कूपन छपता नहीं, चंदा कभी मांगते नहीं, पैसे का आरोप क्या लगाओगे? खर्चा अगर होता है थोड़ा बहुत तो यहाँ के जो स्पोक हैं वो कर लेते हैं, और उनके साथ कंडीशन है कि जो खर्चा स्वयं का है वो स्वयं करना पड़ेगा, तो अपने स्वयं के खर्चे पे क्या रोएगा और क्या कहेगा? भाई दूसरे का खर्चा करे, दूसरे के लिए कुछ पैसा दे तो समझ में आए, पर अपने खर्चे के लिए क्या कहेगा? अपने खर्चे के लिए तो अगर कहेगा तो लोग उस पर शर्मसार और करेंगे कि तुम अपना खर्चा भी बताते हो क्या? तो यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी जिंदगी में बनेगी नहीं तो क्या आरोप लगाएगा? जब पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं तो आरोप का मतलब क्या है? यहाँ कोई जाति का सिस्टम नहीं है,
जाति की प्रैक्टिस नहीं है तो ऊंच नीच जाति भेद करेगा क्या, और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पद पोस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई मंच नहीं है, यहाँ कोई मालक नहीं है, तो कोई व्यक्ति विशेष का यहाँ होने का सवाल नहीं है। और नेता यहाँ बनते नहीं, इसलिए नेता यहाँ किसी भी हालत में कोई बनेगा नहीं, और संघवाद है, व्यक्तिवाद कभी आएगा नहीं। ये सारी जड़ें लगभग काटती हैं, पर फिर भी जिनकी पेट पर लात लगी है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका धंधा बंद हो रहा है, जिनकी नेतागिरी खत्म हो रही है, जिनकी प्रधानी खत्म हो रही है, और जिनको काम करना पड़ेगा, यानी संगठन चलाएगा तो इकट्ठा भी होना पड़ेगा अब, और इकट्ठे होकर समाज को जवाब भी देना पड़ेगा। कामयाबी तो फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि संगठन कभी नहीं जीतते, हमेशा संघ जीतता है। फिर भी प्रयास करेगा तो दो तरह से प्रयास करेगा, एक तरह से कहेगा कि हम संगठनों को आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ से कहेगा अरे ये जो समर संघ वाले हैं ये भी चंदा लेते हैं, देखो दिल्ली में जो 15 मई को ये जो 1500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, ये सबसे 310 रुपए ले रहे हैं और ये चंदा है। हर बार बताया, हर बार बताएंगे, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है, और ये आपको बताना बहुत जरूरी है, या तो वीडियो के माध्यम से या लिखने के माध्यम से या सारे माध्यम से, कि आपको ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है कि चंदा होता क्या है, चंदाखोर क्या होता है, अपना खर्चा क्या होता है, और संघ पहले कैसे चलता था। इस बात को जान लो कि संघ के काम कैसे चलते थे, क्योंकि संघ में कभी भी पैसा नहीं लिया गया। ये हम उस संघ की बात कर रहे हैं जिसके भिक्खु के संघ के नियम बनाए, पर उससे पहले जो संघ था, जिस समर संघ के साथ हम चल रहे हैं, वहां तो भी कोई सबूत नहीं मिलते कि कभी कोई व्यक्ति से कुछ खर्चा लिया हो। लोग अपना खाना अपने तरीके से आते थे, अपना खाना खाते थे, हाँ खाना मिल बांट के खाते थे, वो नियम यहाँ भी है, पर जो बुद्ध ने नियम बनाए भिक्खु संघ के, वो और भी गजब के। बाद में लोगों ने ये कहा कि भिक्खु का मतलब होता है भिक्षा लेना, क्योंकि भिक्खु को ओरिजिनल शब्द को आधे के और खे को छह में बदल दिया। छह पाली का शब्द नहीं है, छह संस्कारित है, मॉडिफाइड किया है, बदला हुआ शब्द है। भी आधा के और खे और ऊ की मात्रा भिक्खु बनता है, और भिक्खु जो शब्द है वो बड़ा ऊंचा शब्द है। लोगों ने भिक्खु का भिखारी बना दिया, भिक्खु का भिक्षा लेने वाला बना दिया, और ऐसे बना दिया जैसे मांगने वाला है। भिक्खु मांगने वाला नहीं होता। बुद्ध का कोई भी टीचर या बुद्ध स्वयं या बुद्ध की कोई टीचरेस यानी कि भिक्खुनी कभी भी मांगने वाली मांगता नहीं रही, कभी नहीं रही जीवन में भी। मांगने का उस समय कोई चलन ही नहीं था, क्योंकि मांगने को पुरानी भाषा में पाली भाषा में बोलते हैं याचती। याचती माने होता है मांगता है, और हम आजकल भी कहते हैं भाई याचना कर लो, याचना की है, याचना लिख दो, या वो याचना कर रहा है, वो याचना करती है। तो पुराना शब्द जो मांगने का है, मांगना कोई शब्द नहीं है पाली के अंदर, मांगना भी कोई शब्द नहीं है, मांगना शब्द बहुत बाद में जाके मॉडिफाइड होके कहीं से आया है। तो मांगना यानी बैगिंग जो होती है उसका मतलब याचना करना होता है, रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ एक ही शब्द था, याचित, याचना करना या याचती। तो मांगना नहीं है, तो फिर जो ये भिक्खु शब्द है इसका क्या मतलब है, और भिक्खुओं का जो खाना है उसका क्या मतलब है। दरअसल भिक्खु जो शब्द आया है वो आया है भी से और दिक्खा से, दो शब्दों से मिलकर बनता है, भी और दिक्खा। दिक्खा माने होता है दिखाने वाला, पढ़ाने वाला, जागृत करने वाला, दिक्का। और भी माने होता है डर को दिखाने वाला, भी माने भय होता है यानी डर होता है। तो दो शब्दों से मिलकर बनाया भी और दिक्खा, यानी डर को दिखाने वाला, यानी जो भिक्खु है वो डर को, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जिससे आप परेशान है, जिससे आप पाप में चले जाते हैं, जो भय आपके अंदर है, उस भय को दिखाने वाला, और जब भय को दिखा देता है तो उसको दूर करने का रास्ता बताता है, और फिर उसको दूर कर देता है तो आपको भय मुक्त कर देता है। इसलिए जितने भी भंते होते हैं उनको भय का अंत करने वाले, या जिनका भय का अंत हो गया उनको भंते बोला करते थे। तो भिक्खु का मतलब किसी भी हालत में भिक्खा या भिखारी या नहीं होता। तो जो खाना है उस खाने को क्या बोला करते थे, क्योंकि खाना लेने तो जाते थे, मनुष्य खाना तो खाएगा। बुद्ध का सबसे छोटा नियम था कि वो पहले पढ़ाएंगे और फिर वहां दरवाजे पे जाके जिसके पढ़ाएंगे वहां खड़े रहेंगे, अपने आप दे देगा तो ठीक है, और अपने आप नहीं देगा तो अगले दरवाजे चले जाएंगे। 5 दरवाजे तक भिक्खुओं को आदेश था, खाना नहीं मिला तो वापस उस दिन भूखे, और पहले दरवाजे पर अगर सफिशियंट मिल गया तो खाना लेके वापस,
जितना भूख होती थी उससे 20% कम खाते थे, और सारा खाना मिक्स होता था और सारे भिक्कू एक साथ खाते थे और बिहार में खाते थे। तो आपने सुना होगा पिंडी, कह रही है पिंडी है, और आपने सुना होगा कि जब अर्थी जाती है आज भी तो कहते हैं कि इसका पिंड दान कर दो। पिंडी माने होता है आहार का गोला, क्योंकि जो जहां की ये भाषा, जहां की ये लैंग्वेज है, वहां पर चावलों की पिंडी बनाई जाती है, चावलों का गोला बनाया जाता है, चावलों का लड्डू बनाया जाता है, उसको पिंडी बोलते हैं। पंजाब में पिंडी चलती है खूब। तो ये जो चावलों का गोला होता है इसको सटका जाता है, बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर जहां की ये भाषा मेन है वहां आज भी पिंडी को पिंड चावल की पिंडी बनाते हैं और सटक जाते हैं, वो चबाते नहीं है, सीधे सटकते हैं छोटी छोटी पिंडी बनाकर। तो जो पिंडचर्या है, और ये पिंडदान जो बना वहीं से बना है, पिंडदान का मतलब है आहार का दान, आहार को देना, और पिंडचर्या जो होती है वो होती है आहार के लिए चारिका करना, चलना। तो सारे भिक्कू 12 बजे से पहले अपने यहां से निकलते थे, लोगों को पढ़ाते थे, उसको कहते थे भिक्कू चर्या, यानी कि भय को दिखाने वाली चर्या, और जब वो खाना लेते थे तो उसको बोलते थे पिंडचर्या, यानी कि आहार लेने की चर्या। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए उसको पिंडपात बोला करते थे, भिक्का पात नहीं बोला करते, पिंडपात बोला करते थे, यानी खाना लेने का पात्र बोला करते थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जब लोगों से बहस करेंगे और लोग आपसे कहेंगे आप चंदा लेते हो, आप चंदा लेते हो, आप चंदा लेते हो, तो आप उनको काउंटर कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध ने कभी भी जीवन में चंदा नहीं लिया। चंदा माने वैसे छंद होता है, इच्छा होती है, पर आज के समय जो चंदा है या जो डोनेशन है या जो जिसको हम भिक्का बोलते, कभी नहीं ली, और ना उन्होंने कभी कैश लिया। कभी उन्होंने पूरे जीवन में ये नहीं कहा मेरे को एक बिहार चाहिए या मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए या मेरे को कपड़े चाहिए, कभी नहीं उन्होंने कहा। आज तक की पूरी हिस्ट्री में कभी भी किसी भिक्कू ने किसी से कहकर नहीं मांगा, पर लोग इतने जानकार थे कि जो पढ़ते थे, जो सीखते थे, जो अपने भय को दूर करते थे, वो उनकी जरूरत का सामान देते थे। उस जरूरत के सामान को भी बहुत संभाल के और बहुत होशियारी के साथ इस्तेमाल करते थे, उसको नियम से बांटा करते थे। ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया तो मौज आ गई, फ्री में आ गया, तो चलो एक एक आदमी को चार चार चीवर दे दिए, एक एक आदमी को चार चार पात्र दे दिए, ऐसा नहीं होता था। और किसी भी हालत में उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, पूरे भिक्खु संघ ने, किसी राजा के आगे या किसी व्यक्ति के आगे, कि हमको ये आवश्यकता है, जो उन्हें मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरतें इतनी कम कर ली। एक टाइम का खाना वो उन्हें जंगलों से भी मिल जाता था, पेड़ पौधों से भी मिल जाता था, और वो खुद की कुटी बना के, झोपड़ी बना के रहते थे, या गर्मियों में खुले जंगल में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। और उनके पास जो कपड़ा होता था, वो जो कूड़े पे फेंका हुआ कपड़ा होता था, उसको वो अपने हाथ से सिल सिल के उसका चीवर बनाया करते थे। किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं तो वो वहां से पूरा कर लेते थे, और चीवर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। तो वो जरूरतें कम करने की वजह से वो हमेशा किंग स्टाइल में जिया करते थे, यानी राजा के स्टाइल में। कैसे? क्योंकि वो मांगता नहीं थे, कभी नहीं मांगते थे। समर संघ वही पैटर्न पे चलेगा, और समर संघ की कामयाबी वही पैटर्न है। जिस दिन समर संघ ने हाथ फैला दिया, लोगों से मांगा, उस दिन समर संघ ना होके समर संगठन हो जाएगा, समर राजनीतिक पार्टी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि संगठन जो होते हैं, संगठन के अंदर लोगों ने मांगने के बहुत तरीके जात कर लिए। लोगों को यकीन नहीं होता था तो उन्होंने अकाउंट खुलवा लिए कि भाई अकाउंट में पैसा आता है, देखो हम तुम्हारा पैसा अकाउंट में ले रहे हैं, लव चेक से दे दो हमको, या हमारे सीधे अकाउंट में। आजकल तो व्हाट्सएप पे इतने मंगते आ गए हैं, मांगने वाले आ गए हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो न्यूज चैनल वाला है, चाहे वो कोई आर्टिस्ट है, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो कोई कार्यक्रम कर रहा है, चाहे कोई किताब लिख रहा है, चाहे कोई किताब बेच रहा है, यानी मूवमेंट में इमोशनल करके हर व्यक्ति अपना IFSC कोड, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, हर व्यक्ति ने दे दिया है। इतने इतने अकाउंट आ रहे हैं, इतने अकाउंट आ रहे हैं। ये लेटेस्ट तरीका है। उससे पहले का तरीका चेक से चलता था, और उससे पहले का तरीका पर्ची से चलता था, कूपन से और पर्ची से। तो लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि देखो तुम्हारी पर्ची कट रही है, इस पे हमारा सिग्नेचर है, इस पे हमारा नाम है, इस पे हमारा फोन नंबर है, और ये तुम्हारा पैसा अकाउंट में जा रहा है। लोग तो दे देते हैं, क्योंकि लोगों को तो सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति और अपने बच्चों की जान बचानी है। तो जितने भी लोगों ने धंधा करके पैसा लिया, चंदा लिया, उन लोगों ने पैसे के आने का तो दिया कि तुम्हारी पर्ची कट रही है, ये लो पर्ची, ये लो तुम्हारा चेक है, ये तुम्हारे अकाउंट में है, ये तुम्हारा आ रहा है, यकीन करो कि तुम्हारा पैसा अकाउंट में जा रहा है।
अकाउंट से कहां गया ये कोई नहीं बताता। अकाउंट से पैसा कौन निकालता है, कौन ले जाता है, कहां खर्च होता है, ये कोई नहीं बताता। चलो ना बताओ कोई बात नहीं, पर ये भी कोई नहीं बताता कि जिस काम के लिए पैसा लिया था उस काम का क्या हुआ। अगले साल फिर आ जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पे दिल्ली के अंदर एक परिवार चलता है जो म्यूजिकल कार्यक्रम चलाता है, उसका धंधा है, उसके पास कोई काम नहीं है। वो दो तीन महीने पहले निकलते हैं चार पांच लोग और वो आसामी ढूंढते हैं पूरे साल, कौन व्हाट्सएप पे है, कौन फेसबुक पे है, कौन फलाना है, कौन डलाना है, मेरे पास भी आ गए। कहने लगे जी ये पर्चा है, इसमें हम आपका फोटो छापेंगे, आपको हम गेस्ट बनाएंगे। चीफ गेस्ट बनाने का 50,000 रुपया है, छोटा गेस्ट बनाने का 20,000 रुपया है, आप इसमें दो आपका इतना पैसा है। तो मैंने कहा भाई क्या है, कह रहा जी बुद्ध का म्यूजिकल कार्यक्रम है। बड़ा उसने अपना पैसा वैसा लेने के लिए बहुत सारी बातें बताई, पर मैं धम्म का थोड़ा बहुत जानता हूं तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ ये लिखा हुआ है कि तू बुद्ध का धम्म गा के बजा के डांस करा के डिस्को करा के और मनाएगा, बुद्ध पूर्णिमा मनाएगा, बुद्ध की एजुकेशन फैलाएगा, कहाँ लिखा हुआ है। पर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको 150-200 लोगों की भीड़ मिल जाए और वहां वो चीफ गेस्ट मिल जाए, उनको एक ट्रॉफी मिल जाए और वो पैसे देते हैं इसके 50,000, 1,00,000 जो जैसा देते, क्षमता है, ये काम चल रहा है। तो ये संगठनों के काम जहां चलते हैं, ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के हैं। राजनीतिक पार्टियों में मांगने के बहुत तरीके हैं, अरे भाई बहुत खर्चा है, दारू का खर्चा है, वोट का खर्चा है, लेना है देना है, कार का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, कैंडिडेट बैठाना है, कैंडिडेट खड़ा करना है, बड़ी मीटिंग करानी है, टेंट का खर्चा है, इतने सारे लोग कन्वेंसिंग में लग रहे हैं, उनका रोज का हलवाई का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। तो लोग जब बड़ा खर्चा बताते हैं तो बड़ा पैसा देते हैं, पर उसका फायदा नहीं। ये मांगने के और ये चंदे के तरीके हैं। तो वो जो चंदे के तरीके वहां ईजाद हो गए हैं और लोगों ने, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो कुछ नहीं करते, जिनका काम सिर्फ चंदा लेके काम करना है। और फ्री का पैसा जब भी आता है वो कोई क्रांति नहीं कर सकता। फ्री का पैसा तो गंदगी के साथ आता है और वो बदबू लेके आएगा, वो क्रांति लेके नहीं आएगा। फ्री का पैसा हमेशा गुलामी लेके आता है। वो मूवमेंट जिसमें फ्री का पैसा लगा हो वो हमेशा गुलामी पैदा करेगी, वो कभी भी आजादी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए बुद्ध जैसे जो व्यक्ति हैं वो इस बात को जानते थे कि जो फ्री का पैसा है और जो अनाप शनाप पैसा है, वो पैसा किसी भी हालत में संघ के अंदर नहीं आना है, इसलिए वो बहुत कम जरूरतों पर रहते थे। और यही काम अगर आप देखेंगे ध्यान से जिन लोगों ने विपसना की है, तो सत्यनारायण गोयनका जो विपसना के टीचर हैं उन्होंने नंबर दो के पैसे लेने से मना कर दिया। वो कह रहे नहीं हमको नंबर दो का पैसा नहीं चाहिए, जो पैसा कोई ऐच्छिक रूप से देना चाहता है तो वो धम्म सीखे। वो धम्म का सिखाने का कभी पैसा उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने नियम बना के दिया है, वो चले गए कि धम्म फ्री में सिखाया जाएगा हमेशा। इसलिए आप जब कभी विपसना जाओगे तो आपसे एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुमको यह इतना पैसा जमा करना है या बाद में इतना पैसा देना है। वो कुछ नहीं पूछते, वो नाम पता पूछते हैं, फोन नंबर पूछते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए फोन पूछते हैं, आप वहां 11 दिन तक रहो, पूरा खाना खाओ, जैसा खाना सब खाते हैं वैसा खाना खाओ, जैसे सब रहते हैं वैसे रहो, कोई भेदभाव नहीं, वहां कोई पैसा नहीं लेते। लास्ट में बस वो इतना जरूर कहते हैं कि आपने जो ये दिनचर्या की है, आप जो ये भिक्खू का जीवन आपने व्यतीत किया है, इसका दान कहीं आपसे पहले कोई व्यक्ति दे गया है, अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि आपके दान से किसी का कल्याण हो जाए तो आप अपनी इच्छा से उतना दान दे सकते हैं जितना आपको कष्ट ना हो, और अगर आप नहीं दे सकते तो ना दें, और वो भी नंबर एक का, तो जिसको देना दे दे, जिसको नहीं देना ना दे। वो नियम धम्म के नियम पे आधारित बना के, क्योंकि काम तो पैसे चलेगा, पर पैसा अगर नाजायज होगा, पैसा अगर नंबर दो का होगा और पैसा अगर जबरदस्ती का होगा और पैसा अगर मांगे का होगा तो वो जहर बन जाएगा। इसलिए समर संघ एक आदत डाल रहा है कि मांगने का झंझट खत्म, चंदे का झंझट खत्म, ये जो चंदाबाजी है, अकाउंटबाजी है, ये खत्म। कार्यक्रम तो होंगे, कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े होंगे और विशाल होंगे, क्योंकि ये तो रुकने वाली संगति है नहीं और हो रही है, पर सारी संगतियों में सब लोग सीना तान के खड़े होंगे। किसी के कार्यक्रम में आए, उसकी रोटी खाएं, तो उसकी बात भी सुननी पड़ती है, ताली बजानी पड़ती है, हाँ हाँ भी करनी पड़ती है, तो निगाह मिलती नहीं है। जिसकी रोटी खाते हैं उसकी दो गलत बातों के लिए हाँ करना पड़ता है। किसी के घर जाओगे, किसी के यहाँ खाना खाओगे, तो खाना खाते नहीं भाग सकते। जैसे मान लो आपको 8 बजे कहीं जाना है और 7:30 बजे आपने खाना खाया और 7:30 में खाना खाते खाते 8 बज गए, तो आपको फिर मजबूरन बैठना पड़ेगा, चाहे आपका कितना जरूरी काम हो, क्योंकि आपने उसका खाना खाया है तो आपको उसके साथ में टाइम खर्च करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी हो गई है,
ये मॉरलिटी हो गई आपकी, आपके बन गए, आप एहसान फरामोश थोड़ी है जो खाना खाते भग जाएंगे। इसलिए जब किसी संगति में, किसी सम्मेलन में कहीं आप जाते हैं और किसी की दावत खाते हैं, तो उसका फोन आएगा तो आपको कहना पड़ेगा जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम, लाजवाब कार्यक्रम, आप मना नहीं कर सकते, उसकी रोटी खा के आएंगे, पर अपनी रोटी खाएंगे, अपनी लेके आएंगे और अपने साथी के लिए भी लेके आएंगे, तो गर्व से सीना चौड़ा रहेगा, तो दिमाग खुला रहेगा, तो आंख ऊपर उठी रहेंगी, तो सीना ऊपर उठा रहेगा, तो स्वाभिमान रहेगा, तो बात सच्ची निकलेगी। फिर कहोगे भाई ये कार्यक्रम ऐसा था, ये कार्यक्रम ऐसा था, उसमें आपकी सलाह सुनी जाएगी, मानी जाएगी, आप कार्यक्रम के हिस्से हैं। अगर 1500 लोग आ रहे हैं 15 तारीख को, तो 1500 लोगों में 1/1500 आपका हिस्सा है, वो हिस्सा आपने खुद अपना खर्च किया है, तो स्वाभिमान की जो आवाज है, जो टंकार है, वो आजादी पैदा करती है, वो गुलामी खत्म कर देती है। ये जो समण संघ का खर्च करने का तरीका, काम करने का तरीका जो महापुरुषों ने ईजाद किया, उसको उन्होंने गुलामी में बदल दिया। बाद में जो लोग आए और जो पैटर्न मनुवाद के सिस्टम से लेके आए खर्च करने का और चंदे लेने का, वही हमें थमा दिया। एक आदमी सारे खर्च कर रहा है, लोग ऐसे दान देते हैं, नंबर दो वाले जिनका पैसा ज्यादा होता है वो ज्यादा दान देते हैं, कहते जी ले लीजिए। उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वाभिमानी है उसका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। हमको स्वाभिमान खत्म नहीं करना है, हमको स्वाभिमान बढ़ाना है। इसलिए संघ दान अगर नहीं है किसी के पास में, कोई बात नहीं, संघ दाना है। संघ दान का मतलब है संघ देता है, तो व्यक्ति नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है तो वो आ नहीं सकता, किसी के पास नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। आपको लगता है कोई व्यक्ति संगति में आना चाहिए तो आप उसको संघ में दान करके, उसका संघ दान करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं उसको। जैसे कल जो प्रेस वाले लोग थे उनका संघ दान हुआ और हमारे दो लोगों ने कहा कि हम मिलकर संघ दान करेंगे, जो आना चाहे आए, हम उनका खर्च बियर करेंगे। ये संघ दान है, यानी संघ उनको दान करके दे रहा है। ये स्थिति ठीक है, इसमें एहसान की स्थिति नहीं रहती। पर किसी भी हालत में अगर आप जबरदस्ती ये कहोगे कि 500 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे, फलाना दे दे, जबरदस्ती दे दे, उसको धमकाओगे, उसको डराओगे, उसको स्मोश नहीं करोगे, तो वो ब्लैकमेलिंग और धंधा है। उस धंधे को ब्लैकमेलिंग से किसी भी हालत में कभी भी कोई चीज फ्रूटफुल नहीं हो सकती, कोई बढ़िया नहीं हो सकती। इसलिए जब वो व्यक्ति कहें, जो विरोधी हैं, जो समर संघ के विरोध में तेजी से आने वाले हैं, तो कहेंगे अरे ये चंदा है, तो उनको कहना कि भाई हर व्यक्ति अपना खर्चा करता है, इसको कान खोल के सुन लो, समझ लो। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो समर संघ उससे पैसे नहीं लेता, क्योंकि उसका अपना खर्चा नहीं है। कोई अगर बहुत मोटा पैसा देना चाहे तो नहीं लेते, कोई बिना आए पे छोटा पैसा देना चाहे तो नहीं लेते, मना कर देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आएगा, अपना खर्चा करेगा तो आ। इसलिए 1500 लोग आ रहे हैं तो 1500 लोग अपना खर्चा दे रहे हैं, तो 1500 एकवा आदमी नहीं आ रहा है, अगर वो आएगा तो खर्चा देगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नहीं आ रहा है वो कहे कि 1000 रुपये भेज दो और संघ ले ले, संघ नहीं लेता ऐसा पैसा। ये बात उनको समझाओ, अच्छी तरह से बताओ, क्योंकि सारे संगठन और सारी राजनीतिक पार्टियां, उनका काम होता है कि आज हमको 10,000 की कलेक्शन करनी है, क्योंकि उनको 40-60 का हिस्सा मिलता है कलेक्शन करने वालों को। भाई छह अगर 10,000 रुपया पूरे दिन में इकट्ठा करेंगे तो 4,000 रुपया उनको मिल जाएगा, 6,000 वो जमा कर देते हैं। ये 40-60 का कारपोरेट सिस्टम पूरे भारत में चलना शुरू हो गया है, कमीशन वाइज शुरू हो गई है, सैलरी पर लोग रखे गए हैं। उनका काम ये है, जो लोग सिखा रहे हैं आज की डेट में और जो ये बता रहे हैं कि मूवमेंट क्या होती है, वो 3 दिन का कैडर लेते हैं तो 2 दिन यही सिखाते हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे मूवमेंट नहीं चलेगी, और बिना मूवमेंट के पैसा नहीं चलेगी। और वो कोटेशन लेके आते हैं, कभी बाबा साहब का लेके आते हैं, कभी किसी का लेके आते हैं, कभी किसी अंग्रेजी किताब का लेके आते हैं, और ऐसे ऐसे कोटेशन लेके आते हैं, कहते हैं जी बिना पैसे के कोई मूवमेंट आज तक चली है, और विरोधियों के करोड़ों रुपए गिनवा देंगे, देखो उनका अरबों खर्च हो गया, करोड़ों खर्च हो गया, तुम लाखों तो दो। और ऐसा इमोशनल करते हैं कि लोग अपने एक एक महीने की सैलरी भी देते हैं। उनसे पूछो भाई पैसा ले लिया तुमने, कोई बात नहीं, चलो इमोशनल करके जैसे भी है, पर ये बताओ परिणाम कहाँ है। बस परिणाम मत पूछो उनसे, अगर आपने परिणाम पूछ लिया तो आप RSS के आदमी हो, आप BJP के आदमी हो, आप तो क्या बोलते हैं संगठन तोड़ने वाले आदमी हो, आप तो गद्दार हो, आप तो आम आदमी की पार्टी हो, आप तो केला पार्टी के आदमी हो, आप तो संतरा पार्टी के आदमी हो, फिर आपकी ये आम केला संतरा पार्टी आनी शुरू हो जाएगी, वो आप पे ब्लेम करना शुरू करेंगे ताकि आप चुप हो जाओ। तो कह दो भाई तू सिद्ध कर दे हम आम पार्टी के हैं, केला पार्टी के हैं, या हम फलाने संगठन के, या जो भी हैं, झूठे आरोप क्यों क्यों लगाता है। अपने आरोपों को छुपाने के लिए आपके ऊपर छोटे छोटे आरोप लगाए जाएंगे। आप उनको बोलो भाई आप सिद्ध कर दो, हम मान लेंगे। किसी भी आदमी पे अगर आप आरोप लगाते हो सिद्ध कर दो, मान लेंगे। सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि मुंह हिलाने में क्या जा रहा है। अगर आप किसी का कहोगे कि भाई चंदा लेना बंद है और उसका धंधा बंद करोगे तो वो आप पे कुछ ना कुछ हमला तो करेगा, तो मुंह हिला के आपको 2 आरोप झूठे दे देगा। आप सोचते रहो उनको लेके नहीं आ रहा आरोपों को, कनक भाई आप इसको सिद्ध करो, आप हमारे जूम मीटिंग में आओ, वहां के बात करो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब मूवमेंट आगे बढ़ रही है,
और संगतियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे संगतियां बढ़ेंगी वैसे वैसे संगति करने वालों पे, संगति में आने वालों पे, संगति में हिस्सा लेने वालों पे और संगति की वकालत करने वालों पे और समर्थ संघ के कंसेप्ट को, गोल्डन जो 10 नियम उनको बताने वालों पे हमले होंगे, वैचारिक हमले होंगे, जवानी हमले होंगे। वैसे हमले होने की उम्मीद तो नहीं है, अगर आप किसी के सामने पड़ जाओगे तो हो सकता है शारीरिक हमला भी हो जाए, पर उससे बचना। तो ये जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ये जो विचारों के जो हमले चलेंगे, किसी मीटिंग में आप जाओगे वहां बोलोगे, उसका काउंटर करने के लिए वो 2-4-5 लोग इकट्ठे होकर भी आ सकते हैं। झूठे लोग बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं और चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं झूठे लोग, जोर जोर से चिल्लाएंगे और 4-5 इकट्ठे हो जाएंगे, पर घबराना मत। देखो बुद्ध ने कहा है कि सच्चाई को और सूरज को ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। सूरज के आगे जो बादल आते हैं वो थोड़ी बहुत देर में छट जाते हैं, वैसे ही जो सच्चाई होती है उसके आगे से झूठ छोटे थोड़ी बहुत देर के अंदर छट जाता है। ये टेस्टेड फार्मूला है जो बुद्ध ने बताया है और ये पूरे जीवन में अप्लाई भी किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत बढ़िया स्थिति में काम चल रहा है, हमको नहीं पता चलता, पर जब विरोधी लोग हम पे आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो पता चलता है कि अरे कहीं कुछ हो गया हमसे, कहीं कुछ ठीक सा चल रहा है, तभी तो ये आरोप लगा रहे हैं। आपसे पहले तो लगाए नहीं, आपसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हम खराब होते तो शुरू से खराब होते, पर अचानक आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कोई बात असर हो रही है और बात का बहुत तेजी से असर भी हो रहा है। इसलिए ये जो चारिका है, पिंड चारिका है, भिक्का टन है, चंदा है या चंदे का धंधा है, इसके डिफरेंस को बारीकी से समझ के और सवाल के जवाब तैयार करें। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। 15 तारीख को सब लोग अपना पानी जरूर लेके आए, डॉक्टर की सलाह है कि 2-2 लीटर पानी लेके आए, पन्ना लेके आए या कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आए या नींबू पानी लेके आए या कोई दही का शरबत लेके आए, ज्यादा लेके आए, ताकि अपने पड़ोसी को भी पिला सके, खिला खिला सके। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि संघ में कोई भी ना तो वहां कोई गेस्ट है और ना ही वहां कोई होस्ट है, यानी कि ना कोई मेजबान है और ना कोई मेहमान है, संघ में सारे बराबर होते हैं। कोई ये उम्मीद ना करे कि भाई जो लोग ज्यादा काम करने वाले हैं वो मेहमान है, ध्यान सबका रखा जाएगा, सारे वहां डॉक्टर भी होंगे, टीम भी होंगे, पर हर आदमी वहां भाई है, हर जो नारी है वहां बहन है, वहां ना कोई नेता है, ना कोई वहां पर गेस्ट है और ना वहां पर कोई होस्ट है, पूरा परिवार है हमारा। इसलिए किसी को अगर कष्ट होता है तो सबको मिलकर आगे बढ़कर ठीक करना है। तो दिल्ली और आसपास के लोग जो कारों में आ रहे हैं वो अपने यहाँ कैंपर में पानी लेके आए, जो उनकी वाटर बॉटल होती है, जितना अधिक से अधिक पानी लेके आए उतना लेके आए। पता नहीं मौसम का क्या करवट बदले तो आने जाने में रास्ते में जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत पड़ेगी। कोई रूह अफ़ज़ा का पानी लाओ, कोई संतरे का लाओ, कोई जैसा भी है, कोई कंजूसी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि पानी वो चीज़ है जो खूब ज्यादा लेके आना चाहिए। और पानी अगर बगल में हो तो आपको वहां पर आरो वारो लगे हुए पर भीड़ हो जाएगी, दिक्कत होगी, इसलिए पानी ज्यादा लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, सब लोग जितने भी आ रहे हैं वो सबको सलाह दें कि अच्छी वाली कुछ टॉफियां जेब में डाल लें, 10-20-30-40-40 टॉफियां जेब में डाल के लाएं, बच्चों वाली टॉफी होती हैं, जब भी वहां किसी से मिले, क्योंकि सबके गले में वहां एक बैज लगा होगा जिसपे उसका नाम लिखा होगा और वो कहाँ से आया है वो लिखा होगा। तो आपको संघ बढ़ाना है तो संघ तब बढ़ता है जब परिचय बढ़ता है। आप अगर वहां अनजान की तरह बैठे रहे या मेहमान की तरह बैठे रहे तो संघ नहीं बढ़ेगा, संघ जब बढ़ेगा जब संघ संघ आप एक दूसरे से परिचय करोगे। सारे भाई हैं तो परिचय कैसे करोगे, जब परिचय करोगे तो खाली परिचय करोगे क्या, परिचय करोगे तो मुंह मीठा नहीं कराओगे क्या, तो मुंह मीठा कराने की टॉफी कहाँ से लाओगे, तो अपनी जेब में टॉफी रखना, खूब सारी टॉफी लाना, पूछना अरे भाई साहब क्या नाम है आपका, ये नाम है, ये लो पहले टॉफी खाओ, एक टॉफी वो दे एक टॉफी आप दो, आपकी दोस्ती पक्की हो गई, आपका हमेशा का रिश्ता पक्का हो गया, खूब टॉफियां बांटो, वहां टॉफी खानी है और चीज मत लाना क्योंकि कपड़े खराब हो जाएंगे, टॉफी लेके आना, तो टॉफियां सब लेके आओ तो एक दूसरे को बांटो, तो पानी साथ होगा, टॉफी पियो तो मीठी टॉफी हो जाएगी, पानी हो जाएगा, दो चीज हो गई। दूसरा क्या है कि वहां अगर जो व्यवस्था है बैठने की, उस व्यवस्था को लाइन में करने की कोशिश करना है। इस बार ये कोशिश करना कि सब एक दूसरे के पीछे लाइन में बैठे हैं। लाइन में बैठे हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अनुशासित लगते हैं, तो जो लोग लाइन में खुद बैठ सके बैठे, जो भूल जाए तो अड़ोसी पड़ोसी उनको बता दें कि लाइन में बैठना है। एक ये नियम था कि भाई सफेद कपड़ों में आएंगे तो अच्छे लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है, किसी के पास नहीं है तो ना आए, पर अगर सफेद कपड़े हैं तो सफेद कपड़ों में आए। तो सफेद कपड़े इसलिए हैं क्योंकि सफेद कपड़ों में एक रूपता आती है, और हमारे पुराने कपड़े सारे सफेद हुआ करते थे, संघ सारे सफेद कपड़ों में बैठा करता था, तो संघ चल रहा है, तो संघ बन रहा है, तो संघ बड़ा हो रहा है, तो सफेद कपड़ों में बैठेंगे तो उसकी क्षमता, उसकी अनुशासन अलग ही दिखाई देता है। और वहां जितने भी लोग आए, जैसा भी अगर किसी को कष्ट हो तो वहां काउंटर पे बता दें कि ये हमें कष्ट है, वहां डॉक्टर भी होंगे, वहां कोई परेशानी है तो बता दें, वहां सारे सारे रिसेप्शन कमेटी के लोग होंगे, वो आपकी मदद करेंगे। किसी को पहले कोई रास्ते में दिक्कत हो रही तो बता दे, तो वहां जितने भी हमारे वॉलंटियर्स, खासतौर से जो
फोर्स में, पुलिस में या जो अफसर हैं वो आपकी मदद करेंगे। कोई कष्ट आपको दिल्ली में नहीं होने वाला। जिनको होटल मिल गए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिले वो बता दें, होटल आपके जो है वो करा दिए जाएंगे। कोई होटल में नहीं रुकना चाहता है तो विकासपुरी बुद्ध विहार के अंदर 500 लोगों के रुकने की व्यवस्था के लिए उन्होंने कह दिया। वो भी समर संघ के मेंबर हैं, चार लोग वहां साथ रहेंगे, पहले बता देंगे तो यहाँ गद्दा किराए का आ जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ होटल में हो जाती है, वहाँ बहुत सारे लेटरिन बाथरूम है, नया हमारा बुद्ध विहार बना है, वहाँ आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लोगों तक की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इशू रहेगा मच्छर का या हवा का, तो वो एक दिन के लिए सब उसको बियर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। दिल्ली में किसी को एंटर करने में कोई समस्या होती है तो तुरंत बताएं, क्योंकि उसको लोकेशन भेज देंगे। पता बिल्कुल साफ साफ है, पता आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, सेंटर सेक्रेटरी याद रखो, सचिवालय या आप याद रखो राष्ट्रपति भवन, या आप याद रखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद करते हो तो उसके बिल्कुल पीछे है संसद मार्ग, है संसद को जो जाने वाला मार्ग है उस मार्ग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पीछे एक मोहम्मद रफी मार्ग याद रखना, रफी मार्ग है मोहम्मद रफी। और जो लोग मेट्रो से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो पटेल चौक है, दो है हमारे यहाँ, एक पटेल नगर है और एक पटेल चौक है, पटेल चौक याद रखें, पटेल चौक के मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे, वहां से एक मिनट का पैदल का रास्ता है, पटेल चौक के पीछे ही है, तो जो मेट्रो से आ रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। और कार पार्किंग कोई दिक्कत नहीं है, 1000 कार पार्क हो सकती है, जो लोग कार से आते हैं अपनी कार में आए, चार लोगों को साथ लेके आए, कार पार्किंग की वहां बहुत अच्छी सुविधा है। फुल डे का कार्यक्रम रहेगा, कोई छोटी मोटी कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, बाकी फुल फ्लैश कोई होता नहीं है, कोई ना कोई कमी होगी, कोई बात हो जाएगी उसको हम बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा परिवार बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे जो मिलने के कार्यक्रम हैं वो बहुत बहुत देर बाद लगते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, तो एक कार्यक्रम मुंबई में, एक कार्यक्रम चेन्नई में, एक कार्यक्रम दिल्ली में, एक कार्यक्रम पंजाब में, पता नहीं दिल्ली का नंबर फिर कब आए, कितने महीने बाद आए। इसलिए जो आसपास के लोग हैं वो जितनी ज्यादा संख्या में मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। और कोशिश करें कि किसी का अगर हल्का फुल्का भी मन है तो उसको भी लेके आए कि बैठ जा गाड़ी में आ जा, क्योंकि लेके चले आएंगे तो आएगा तो आके अच्छा लगेगा, एक बार आएगा परिवार से मिलेगा तो शेरों जैसी शक्ति आ जाएगी, जब वहां आप बैठोगे तो आपको शेरों जैसे झुंड का आभास होगा, आपको ऐसा आभास होगा कि आज हम सच में शेरों के झुंड में हैं। कारण क्या है कि संघ के अंदर कोई लालच नहीं है, संघ के अंदर आप जब आ रहे हो तो किसी व्यक्ति की गुलामी करने नहीं आ रहे हो, संघ के अंदर जब आप आ रहे हो तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी में वोट देने के लिए नहीं आ रहे हो, ना आपसे कोई वोट मांग रहा है। जब संघ के अंदर आ रहे हो तो यहाँ कोई नेता बनाने के लिए या बनने के लिए नहीं आ रहे हो, संघ के अंदर जब आ रहे हो तो यहाँ किसी का खाने के लिए नहीं आ रहे हो, संघ के अंदर जब यहाँ आ रहे हो तो यहाँ कोई संगठन बनाने नहीं आ रहे हो, संघ के अंदर जब आ रहे हो तो यहाँ किसी के दबाव में नहीं आ रहे हो। ये भारत में 400-500 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि आप अपने संघ में सीना चौड़ा करके आएंगे और आपका जो अस्तित्व है उतना ही है जितना सामने वाले का है। सबकी एग्जिस्टेंस बराबर है, सबका अस्तित्व बराबर है, सबका वजन बराबर है, सबके सम्मान बराबर है, सबकी गरिमा बराबर है, ना कोई छोटा ना बड़ा। कोई होगा बहुत बड़ा आदमी तो भी आपके बराबर वहां जो बैठेगा संघ के अंदर तो उतना बराबर ही रहेगा, कोई होगा बहुत छोटा आदमी तो बाहर छोटा होगा पर संघ में बराबर होगा। तो संघ में आपको इसलिए एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक गुड फीलिंग आएगी, आपके जैसे ही आप हॉल के अंदर घुसेंगे आपके चेहरे पे अपने आप चमक आ जाएगी, आपके अंदर अपने आप स्मेल आ जाएगी, आप अपना 400-500 साल पुराना संघ आपके अंदर समाहित हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि संघ का जो टेस्ट है, जो संघ का मजा है वो हम भूल चुके हैं, मगर हमारे खून में जीन में है, वो बहुत जल्दी निकल के आने वाला है। इसलिए सभी साथी जितने भी हैं वो कोशिश करें अधिक से अधिक आएं, क्योंकि जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम सशक्त हो जाएंगे, और जितनी जल्दी हम शक्तिशाली होंगे उतनी जल्दी हमें सुख प्राप्त होगा, और जितनी जल्दी हमें सुख प्राप्त होगा उतनी जल्दी हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे, और जितनी जल्दी हमारे बच्चे सुरक्षित और हेल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी हमारा समाज और हमारा संघ और हमारा देश बहुत बड़ी स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि हम बहुत देशभक्त लोग हैं, देश हमारा है, इसलिए हमें अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए इकट्ठा होना है, ताकि हम अपने देश, अपने परिवार को पूरी दुनिया के अंदर नाम ऊंचा कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी एक शिक्षा दे सकें और एक अच्छा सुरक्षा और अच्छा सम्मान और अच्छी अच्छी जिंदगी दे सकें। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, संघ शक्ति। जो जो इकट्ठे हुए हैं उनके बच्चे बहुत बढ़िया पोजिशन में है, जिन जिन्होंने संघ बनाया है उनके पास में भारत में सारी चीज है, जिन जिन्होंने संघ बनाकर काम किया है वो सुरक्षित हैं, और जिन्होंने संगठन बनाए हैं वो पिट रहे हैं, जिन्होंने संगठन बनाए हैं वो रोज गरीब हो रहे हैं, जिन्होंने संगठन बनाए हैं वो रोज हार रहे हैं, जिन्होंने संगठन बनाए उनकी रोज मूंछ कट रही है, जिन्होंने संगठन बनाए वो आपस में लड़ रहे हैं, और जिन्होंने संगठन बनाए
वो संगठन संगठन करके लोगों को उन्होंने पूरा कंगला कर दिया, खराब कर दिया, और बाबा साहब के सारे अधिकार भी चले गए। इसलिए जीतेगा वही जो संघ में रहेगा और हारेगा वही जो संगठन में रहेगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।